ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे भाई बहन है, बैठने वाले भावना वाले आते हैं, बैठ पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, थोड़े दिन एक ग्रुप के सहयोगी बने, यज्ञ में सहयोग देने लगे, देवियों के समीप आ गए, लोगों का विश्वास करके बाबा का पक्का वृक्ष है, उसके पास जाएंगे, कहेंगे मुझे मदद कर दो, मुझे झड़ती लगानी है, मुझे ये करना है, और सबसे मदद ले ले करके 500,000 लोगों को अपना बना करके 1-2 करोड़ इकट्ठा करते और घूमो। ध्यान देना, जिंदगी बहुत चल रही है संसार में। आप कहेंगे बहन जी, दीदी को आके कहेंगे दीदी हमको तो लगता है बाबा का आनंद बच्चा है, आप इसको ढूंढ के बताओ मेरा इतना पैसा ले गया, और दीदी कहां से उसको ढूंढेगी, वो तो लेके भाग गया, परमात्मा बन गया, सफेद ड्रेस पहन ली, बैग पहना लिया, गाड़ी रख दी, दीदियों को सेवा में लगा दिया, साथी बना, और 1-2 साल में उसने 2 करोड़ इकट्ठा किया और भाग निकल गया। अब आप कहते हो मैं तो सोचा था बाप बहुत अच्छा बच्चा, कहां भी रखने की शक्ति ध्यान दो, इसलिए इस परिवार में नहीं आए। और अगर पैसे ठगी हो जाती है तो ज्ञान छूट जाता, परिवार अच्छा नहीं लगता, हम तो बाबा को ये समझते थे, हम तो ऐसा समझते थे, हमारे साथ ऐसा हो गया, यहाँ भी धोखा होता है, यहाँ भी ऐसे करते, आप समझ के चल रहे हो, अपनी सेफ्टी फर्स्ट। अगर कुछ लेन देन करनी है तो आप उसको परखो, उसको समझो, उसके बाद उसे लेन देन करो, बाबा को और ज्ञान को और परिवार को और दीदियों को दोषी नहीं करता है, समझ के चलो। कैसे सत्यता का फाउंडेशन चेक करो, मेरा और अन्य आत्माओं का कितने सच्चे हैं, कितना अंदर बाहर है, परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।